sanghu, football, dodgeball, basketball, volleyball, ये तो सारे हो गया खेलने वाले बॉल, मगर खाने वाले बॉल क्या है? आज मैं दिखाऊंगी खाने वाले बॉल, मगर उसके पहले मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो जो बॉल आप खा सकते हैं उस बॉल के नाम है चीज बॉल, जो अभी मैं बनाने वाली हूँ। देखिए उसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है। ये है देखिए, ये है आलू पोटैटो जो हमने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हैं, और उसमें मैं यूज करूंगी ये है गाजर, ये है ऑनियन, ये इधर मैं रखी हूँ मैं लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, काजू, किशमिश, और यहाँ पे है ये हमने एरोरूट गोल के रखी हूँ और ये है सूजी। देखिए मैं कैसे बनाऊंगी। पहले यहाँ पे कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया, थोड़ी सी ऑयल। देखिए ये सारी चीज को हमने फ्राई करोगे। ये ऑयल में हमने ऑनियन को डाल दिया। देखिए जो ऑनियन हमने पीछे रखा था वो ऑनियन को मैं फ्राई कर रही हूँ। इसके साथ साथ ये जो गाजर है इसको भी हमने इसमें पूरा गाजर को भी दे दिया। देखिए इसको हमने फ्राई कर रही हूँ, ऑनियन गाजर। देखिए इसके साथ साथ हमने अभी देंगे यहाँ पे जो हमने लहसुन को थोड़ा सा पीसेस करके छोटे छोटे करके रखे थे वो ऑनियन दे दिया, हरी मिर्च दे दी और अदरक दे दिया। अभी काजू किशमिश नहीं दिया, अभी हमने पहले ये थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अभी देखिए गाजर को थोड़ा सा फ्राई होने दीजिए, मतलब हल्का सा ब्राउन होगा गाजर, लाइट फ्राई। ये जब तक थोड़ा सा फ्राई हो रहे हैं अभी इसमें थोड़ा सा हम नमक दे देंगे। देखिए थोड़ा सा नमक दे दिया, ये नमक अब दीजिएगा ये गाजर और ये जो पोटैटो दीजिएगा उसकी हिसाब से। ये हमने नमक दे दिया और इसमें हम देंगे ये रेड मिर्च। देखिए ये थोड़ा सा हमने रेड मिर्च दे दी, अभी इसको हमने फ्राई कर लिया। देखिए इसको थोड़ा सा फ्राई किया, करने के बाद इसके ऊपर हमने काजू किशमिश भी हमने दे दिया। इसमें काजू किशमिश भी देके ये हम फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने जो आलू बॉईल करके रखे हैं ये आलू को इसके ऊपर रख दे दीजिए, देके इसको अच्छा से सबके साथ मेस्ट करके फ्राई कीजिए। इसको आप मेस्ट करके फ्राई कर लीजिए अच्छा सा। देखिए यहाँ पे ये मिक्स हो गया आलू के साथ, सबको हमने मिक्स कर लिया। मिक्स होने के बाद ये बन गया, इसको हम नीचे कर लेंगे और यहाँ पे हमने फ्राई पैन को रखेंगे। फ्राई पैन रख के इसके अंदर हमने ऑयल दे देंगे चीज बॉल को फ्राई करने के लिए, और गैस को तेज कर देंगे जो चीज बॉल को फ्राई करेंगे। यहाँ पे जब तक ऑयल गर्म हो रहे हैं तब तक हम चीज बॉल को बना लेंगे। चीज बॉल बनाने के लिए ये दो चीज मेरा जरूरत है और इसके साथ चीज के भी। तो चीज को हमने पहले
कद्दूकस करके रख देंगे। देखिए इस चीज को हमने कद्दूकस कर रहे हैं। इसको हमने कद्दूकस कर लिया। करने के बाद ये जो मसाला था, ये मसाला को हमने ऐसे पूरा बॉल जैसे बना लिया। देखिए ऐसे बॉल जैसे बनाने के बाद इसको अपने सूजी में एक बार ऐसे कर लीजिए, गोल कर लीजिए। देखिए हमने सूजी में एक बार कर लिया। करने के बाद यहाँ पे हमने आपको दिखाए थे जो ये हमने गोल के रखे हैं, इसको हमने अब इसके अंदर एक बार डुबा लीजिए। इसको एक बार डुबाइए। डुबाने के बाद फिर इसको सूजी में गोल कर लीजिए। देखिए गोल कर लिया। करने के बाद देखिए ऐसा बॉल जैसे हो गया। बॉल जैसे बनाने से इसके बाद इसको बीचों बीच हिस्से में, एकदम बीच में देखिए ऐसा करके एक होल कर दीजिए। इसके अंदर आपका जितना मर्जी चीज भर दीजिए। देखिए हमने सारी चीज को भर दिया। इसका बंद कर दीजिए। ऐसा करके आपका जितना बॉल आपको करने का मन है आप इतना बॉल बनाइए। ऐसा बॉल बना के रखते जाइए, फिर फ्राई कीजिए। देखिए चीज बॉल को हमने ऐसे बॉल के आकार में पूरा गोल गोल बना लिया। बनाने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसन की पेस्ट बना लिया। देखिए ऐसा करके बेसन, खाली बेसन और थोड़ा सा नमक, मतलब ये हमने पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद ये जो चीज बॉल हमने पहले गोल करके रखी थी, ये चीज बॉल को उठाइए। ये बेसन के अंदर, देखिए बेसन के अंदर हमने डाल दिया। इसका पूरा बेसन पूरा लगा लिया इसकी बॉडी में। देखिए पूरा चीज बॉल में बेसन लगा लीजिए। लगाने के बाद अभी इसको उठाइए और इसको फ्राई पैन में ऐसा डाल दीजिए। देखिए हमने इसको डाल दिया। देखिए हमने इसको डाल दिया। डालने के बाद अभी हम इसको धीरे से इसको ऐसा ऐसा करके पलट दीजिए। धीरे धीरे इसको पलटते जाइए और ये फ्राई होते जाएगा। देखिए मतलब इधर हो जाएगा, तब ऑपोजिट में दे दीजिए। फिर इसको घुमाइए। इसको घुमाते घुमाते पूरा तरफ इसको फ्राई कर लीजिए और फ्राई करने के बाद ये हल्का से डार्क ब्राउन बन जाएगा। तब देखिए इसको कितना अच्छा लगता है ये खाने में। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा। ये पूरा फैमिली में आप छोटा छोटा बॉल भी कर सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। तो मैंने बड़ा जैसे बॉल बना के दिखाया, बड़ा चीज बॉल कैसे बनता है। इसको फ्राई सही से कीजिए, चारों तरफ घुमा घुमा के इसको फ्राई कीजिएगा। देखिए मैंने इधर किया, फिर इसको घुमाया इस तरफ, पूरा डार्क ब्राउन जैसा होना चाहिए। ये डार्क ब्राउन हो गया। इसको हम अभी प्लेट में उठाएंगे। इसको साइड कर लिया। साइड करके देखिए हमने ये प्लेट में हमने इसको उठाया। अभी इसके साथ देखिए थोड़ा सा सॉस ले लीजिए, थोड़ा सा सॉस दे दीजिए। इसमें कोई भी छोटा सा कटोरी लेके उसमें सॉस दीजिए। देखिए हमने टोमेटो सॉस लिया। टोमेटो सॉस के साथ ये खा के देखिए, ये है चीज बॉल। देखिए ये गेम वाला बॉल जैसा है, जैसे गेम वाला बॉल होता है एकदम। इसलिए हम इसका नाम दिया था बॉल, चीज बॉल। तो ये थी चीज बॉल रेसिपी। अगर आप लोगों का अच्छा लगे तो जरूर बनाइएगा। फिर मुलाकात होगी। बाय।